अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल पास्ता रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत जल्दी बन जाता है। उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले पास्ता, ये मैंने बॉयल करके रख लिया हुआ है। इसमें मैंने हसबे जायका नमक और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला था बॉयल करने से पहले। और उसके बाद जो है ये बंद गोभी, शिमला मिर्च और आलू, ये भी मैंने काट के रख लिए हैं। और ये चिकन जो है इसे बॉयल करके मोटा मोटा जो है आप मतलब श्रेड कर लें। उसके साथ ये मटर हैं, ये भी मैंने बॉयल करके रख लिए हुए हैं। लहसुन मैंने इसलिए नहीं छोटा छोटा काटा ताकि आपको पता चल जाए कि कितना डालना है। उसके अलावा इसमें डलेगा काली मिर्च, हल्दी और नमक और सोया सॉस और सिरका, बस। इसके अलावा जो है वो कुछ भी नहीं डालना। बाकी नॉर्मल सा कुकिंग ऑयल हम डालेंगे, वो जब मैं आगे आपको दिखा दूंगी वीडियो में। ये अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अच्छा, ये मैंने लहसुन को छोटा करके ऑयल में हल्का सा बिल्कुल ब्राउन कर लिया, ज़्यादा नहीं करना। अब इसमें डलेगा चिकन, चिकन डाल के इसको बिल्कुल थोड़ा सा सोते करना, ज़्यादा नहीं। चिकन के बाद अब इसमें डालेंगे आलू, सिर्फ और सिर्फ अभी हम इसमें आलू ही डालेंगे, बाकी वेजिटेबल्स जो हैं वो बाद में। अब इसमें जो बाकी मसाले हैं, नमक, हल्दी और काली मिर्च, ये हम डाल देंगे। तीनों को इकट्ठा ही डाल देना। इनको थोड़ी देर हम भूनेंगे, तब तक जब तक आलू जो है वो थोड़े से नरम ना हो। तो ये मैं भून के फिर थोड़ी देर तक वापस आती हूँ। हाँ जी, अब आप देख सकते हैं कि आलू जो हैं वो अच्छी तरह जो भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप विनीगर, ये मैं अपने अंदाजे से डाल रही हूँ। आप लोग अगर कप में डाल के डालते हैं तो वो अच्छी होती है। उसके बाद हम डालेंगे ये सोया सॉस, ये भी तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा कम ही होगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर हम डालेंगे बंद गोभी। ये इतनी इजी रेसिपी है, ये जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते उनके लिए भी आप बना सकते हैं, और अगर खास करके जो बड़े हैं उनको भी बहुत पसंद आता है। ये सारा काफ़ी हद तक भुन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, उसके बाद ये मैंने मटर पहले ही जो है ना बॉयल किए हुए हैं ये। अब हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसे भूनूंगी। शिमला मिर्च जो है वो थोड़ी थोड़ी कच्ची ही अच्छी लगती है, इसको भून के तो बस फिर ये रेडी है। मैं 5 से 6 मिनट इसको भून लूँ, उसके बाद जो है मैं दोबारा आप लोगों के साथ आगे वीडियो जो है वो शेयर करती हूँ। हाँ जी, ये बिल्कुल भून गया अच्छी तरह से। आपने दो बातों का ख्याल रखना है, एक तो ये कि आँच बिल्कुल हल्की रखनी है, और दूसरा ये कि इसमें नमक कम डालना है, क्योंकि जो है हमने डाला है विनीगर उसमें भी होता है नमक, तो वैसे भी हम थोड़ा सा ऐड करते हैं। अब हम इसके बाद इसमें पास्ता डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पास्ता जब भी आप बॉयल करें उसको जो है ना ठंडे पानी से एक दफ़ा अगर आप धो लें तो वो ये है कि पास्ता बिल्कुल चिपकता नहीं है और अच्छे से जो है ना वो मतलब जुड़ जाए पास्ता, जब फिर उसको अलग करें तो वो टूट जाता है। पास्ता आपको जो पसंद हो वो डाल सकते हैं, मेरे पास फिलहाल यही था तो मैंने ये डाल दिया। बाकी अब मैं ये तो रेडी हो गया, बाकी मैं अब आपको डिश आउट करके तो दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने डिश आउट कर दी है पास्ता, ये अब आप देख सकते हैं। इसे आप मायोनीज और केचप के साथ सर्व करें।
और